हेलो फ्रेंड्स, मैं फार्मासिस्ट अरविंद कुमार। स्वागत है एक बार फिर अरविंद फार्मेसी यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट के बारे में, जानेंगे इसका मुख्य यूज क्या है और कितना डोज होता है, कितने दिन तक इसको लेना होता है और इसको लेने के बाद किसी किसी में क्या साइड इफेक्ट दिखते हैं, और लास्ट में जानेंगे इसको लेने से पहले क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। ये सब जानेंगे इस वीडियो में, तो बन रही वीडियो को अंत तक, वीडियो को अंत तक देखिए। ये बात करते हैं एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट के बारे में। तो यह एलेम्बिक कंपनी का आता है। एलेम्बिक जो कि पुरानी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और ये 110 रुपये में आपको 10 टैबलेट मिल जाता है। बात करें कंपोजिशन का, तो इसमें इरिथ्रोमाइसिन आइसोलेट टैबलेट USP 500 mg पर टैबलेट में होता है। इसका 250 भी आता है और 500 भी आता है। अब जानते हैं इसका मुख्य यूज। तो इसका मुख्य यूज, ये एक एंटीबायोटिक दवा है जो कि बैक्टीरिया संक्रमण को ख़त्म करने का काम करता है। इस जैसे कि निमोनिया में इस्तेमाल किया जाता है और काली खांसी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, और टॉन्सिल बढ़ गया है, टॉन्सिल की दिक्कत है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और ENT में यानी आँख कान गला नाक में कोई भी प्रॉब्लम हो इन्फेक्शन वाला तो उसको ठीक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि ब्रोंकोटाइटिस हो गया है उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि गले में किसी तरह का प्रॉब्लम है, खराश है, उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे बुखार है, बुखार काफ़ी दिनों से है, खांसी है, तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे चोट लग गया है, जख्म हो गया है, उसको सुखाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कि ऑपरेशन हुआ है और उसको सुखाने के लिए भी इसको डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, और जैसे चेहरे पे या शरीर पे कहीं भी फोड़ा फून से ज़्यादा निकलते हैं तो उसको सुखाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा यूज है एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट का। अब जानते हैं डोज इसे कितना है। तो ये बड़े व्यक्ति में एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम को 5 दिन चलता है, और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक चलता है ज़रूरत के हिसाब से। अब जान लेते हैं इसको लेने के बाद क्या साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसके लेने के बाद अगर आपके स्किन पर एलर्जी दिखाई देने लगे, लाल चकत्ता दिखाई देने लगे, खुजली होने लगे, नौजिया होने लगे, वोमिटिंग होने लगे, या पेट में कब्ज बनने लगे, या बेचैनी होने लगे, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको दिखाई दे, समझ जाए साइड इफेक्ट कर रहा है और बंद कर दे। प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए। प्रिकॉशन ये है कि यह प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है और ये आपको लेने से पहले एक बार डॉक्टर से राय लेकर तभी लेना चाहिए। और जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार है, हार्ट किडनी लीवर इस तरह की प्रॉब्लम है इनमें से कोई, तो उसको देने से पहले डॉक्टर से राय लेकर तब दें। और कोई लेडी प्रेग्नेंट है या फीडिंग करा रही है तो उनको देने से पहले डॉक्टर से राय लेकर तब दें। और कोई व्यक्ति इसको ले तो उसके बाद अल्कोहल बिल्कुल ना ले। ये सब प्रिकॉशन है, और ये रहा पूरी जानकारी एल्थ्रोसिन 500 mg टैबलेट के बारे में। उम्मीद करता हूं जानकारी अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह मेडिसिन के बारे में जरूर जानकारी मिलता है इस चैनल पे। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।